हेलो बच्चों आज हम देखने वाले हैं कक्षा पाँचवीं की हिंदी इकाई दो पार्ट चौदह ब छुक छुक गाड़ी तो इस लेसन को मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है सो आई होप कि आपने देख लिया होगा नहीं देखा होगा तो आप ज़रूर देख लेना ठीक है और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इसका क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर यानी कि स्वाध्याय और ये हम देखने वाले हैं आपके डाइजेस्ट का ये ठीक है क्योंकि आपको डाइजेस्ट का ही चाहिए होता है इसलिए मैं अभी आपको डाइजेस्ट का ही प्रोवाइड करा रही हूँ ओके okay, तो यहाँ पे पाठ का परिचय दिया गया है किस तरीके से पाठ में अलग अलग महीने दिशाओं और इस तरीके से इन सब को आ, मतलब कि किस तरीके से दिशा और महीने को एक आ, मतलब कि बच्चे छुक छुक गाड़ी के रूप में मनोरंजक ढंग से वहाँ पे गेम की तरह खेलते हैं ठीक है तो देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें एक वर्ष में कुल बारह महीने होते हैं दिशाएं आठ होती हैं इनके साथ धरती आकाश बादल इंद्रधनुष तथा वर्ष मिलाकर पच्चीस हो जाते हैं इस पाठ में इन सबको पच्चीस बच्चे मानकर इन्हें छुक छुक गाड़ी के रूप में मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया गया है अब यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है इसका जो शब्दार्थ यानी हार्ड वर्ड जो हैं टफ वर्ड्स हैं जैसे हाजिरी यानी उपस्थिति अनुसार यानी मुताबिक कि उसके अनुसार या मुताबिक पंक्ति यानी कतार निम्न यानी नीचे देखो ये सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पर कठिन शब्द दिए गए हैं ये एग्जाम में पूछता है इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ आग्नेय यानी कि दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा जैसे कि आप देखो यहाँ पे यहाँ पे ईस्ट है वेस्ट है नॉर्थ है साउथ है तो आग्नेय यानी कि दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है आपका ठीक है साउथ ईस्ट ओके देख रहे हो ना यहाँ पे साउथ है और यहाँ पे ईस्ट है ये वेस्ट नॉर्थ तो बीच का ये वाला जो ये एक ये तो साउथ हो गया ये ईस्ट हो गया लेकिन जो बीच का बचता है उसको बोलते हैं आग्नेय इंग्लिश में क्या बोलेंगे साउथ ईस्ट ओके नृत्य यानी कि दक्षिण पश्चिम के बीच के दिशा, की दिशा यानी कि साउथ वेस्ट की ये वाला जो पार्ट है ये साउथ वेस्ट के बीच की दिशा यहाँ पे तो साउथ हो गया यहाँ पे वेस्ट हो गया उसके बीच का जो पार्ट है वो उसको क्या कहते हैं हम नृत्य ठीक है यहाँ पे देखो ये नृत्य नेक्स्ट है वायव्य वायव्य वायव क्या होता है उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा ठीक है उत्तर यहाँ पे और पश्चिम यानी कि ये तो इसके बीच की दिशा यानी कि नॉर्थ वेस्ट ये वाला जो पार्ट है नॉर्थ वेस्ट ओके ईशान यानी कि उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा सेम वही जस्ट यहाँ पे आपका नॉर्थ यहाँ पे ईस्ट तो ये वाला जो पार्ट है पूरा ये जो दिशा है ये क्या है ईशान ठीक है ईशान्य यानी कि उत्तर पूर्व के बीच की दिशा तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है अब यहाँ पे देखते हैं प्रश्न दिए गए हैं जो कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो छुक् छुक गाड़ी पंक्ति पंच ए, पच्चीस इंजन संख्या हाजिरी आसपास सब दिए गए हैं अब यहाँ पे देखो कुछ प्रश्न दिए गए हैं जैसे कि यहाँ पे देखो डैश के बच्चे इकट्ठे हो गए तो अब यहाँ पे आप देखिए आसपास के ये रहा ये वाला तो यहाँ पर आएगा आस के बच्चे इकट्ठे हो गए दूसरा क्या है वर्ष ने कहा पहले मैं हाज़िरी लूँगा तो ये आएगा पहले आपने पढ़ा हुआ है ना तीसरा हम देखते हैं हाजिरी में एक से कितने होंगे एक से पच्चीस तक के बच्चे हाजिर होंगे अब यहाँ पे देखो सब यहाँ पे दिया गया है सबका प्रश्न यहाँ पे है उत्तर यहाँ पे है देखो दिख रहा है आपको यहाँ पे देखो सबका उत्तर यहाँ पे है ओके नेक्स्ट देखते हैं दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो हाजरी वर्ष ने ली क्योंकि वह सबसे बलवान था वह सबसे बड़ा था या वह सबसे चतुर था तो ये वाला राइट ऑप्शन है तो ये वाला आएगा वह सबसे चतुर था ठीक है आंसर देखो यहाँ पे ओके okay, यहाँ पे देख लियो देख लीजिए एक बार यहाँ पे आंसर दिया हुआ है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बच्चों ने छुक छुक गाड़ी का खेल खेला क्योंकि यह उनके लिए नया था या सबको पसंद था पाठशाला में छुट्टी थी तो ये वाला राइट ऑप्शन है पाठशाला में छुट्टी थी इस तरीके से आंसर लिखा है यहाँ पे वर्ष ने सबको संख्या के अनुसार नाम दिए ऊंचाई के अनुसार नाम दिए नाम के अनुसार संख्या दी तो वर्ष ने सबको संख्या के अनुसार देखो यहाँ पे वर्ष ने ये वाला जो राइट ऑप्शन आएगा आपका ठीक है ये आएगा संख्या के अनुसार नाम दिए संक्षेप में उत्तर लिखो हिंदू वर्ष के महीनों के नाम क्रम से लिखो तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ कार्तिक अग्रहायण पौष माघ फाल्गुन इसको बोलते हैं अग्रहायन ठीक है हिंदी में उसे अग, अगहन भी बोलते हैं ठीक है सप्ताह के दिनों के नाम क्रम से लिखो तो रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार ठीक है ये तो सिंपल है छह ऋतुओं के नाम क्रम से लिखो ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर वसंत तो ये हिंदी हिंदी में हम अगर देखें तो हम ये सारे ऋतुओं को हम जानते हैं ठीक है छः होते हैं सब छः ऋतुँ होती हैं कौन कौन सी ग्रीष्म वर्षा शरद यानी ठंडी हेमंत यानी जो ठंडी के बाद आती है शिशिर और वसंत ठीक है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो पाठ में कुल कितने बच्चों के चित्र हैं आपने देखा है बच्चों आपको बताना है ठीक है चित्र में दिए गए पच्चीस बच्चों के अलावा अन्य बच्चों के नाम किसके आधार पर दिए गए हैं तो बताना है आपको पच्चीस बच्चों के अलावा और किसके नाम पर दिए गए हैं तो ये आपको बताना है ठीक है मैंने वीडियो बनाया एक्सप्लेन किया हुआ है तो आप जाके देख सकते हो फिफ्थ स्टैंडर्ड के अगर आप जाओगे देखोगे तो फिफ्थ स्टैंडर्ड का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है ठीक है हर सब्जेक्ट का हिंदी मराठी इंग्लिश कुछ और जोग्राफ़ी ठीक है हिस्ट्री साइंस सबका अलग अलग वीडियो बनाया एक से पच्चीस तक के अंक शब्दों और अंकों में लिखो यहाँ पे देखो कैसे लिखना है आपको एक से पच्चीस तक के आपको गिनती लिखनी है अंक में भी और शब्दों में भी जैसे ये क्या है एक होता है अब इसको हमें हिंदी में भी लिखना है एक जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है एक दो पूरा तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस ओके आठ दिशाओं के नाम बच्चों यहाँ पे देखो यहाँ इतना तुम्हें पता है ठीक है कि हमें ये तो पता है ना जस्ट मिनट थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है इसमें यहाँ पे देखिए ये तो हमको पता ही है पूर्व पश्चिम यहाँ पे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इतना हमें पता है उसके बाद यहाँ पे ये यह हमने पढ़ा ऊपर में ईशान आग्नेय नृत्य वायव्य ठीक है तो ये अलग अलग किस तरीके से यहाँ पे आठ दिशाएं हो गई ठीक है हम हिंदू धर्म में या मतलब कि हिंदी में इंडिया में अगर हम देखें तो दस दिशाएं मानते हैं ऊपर का भी नीचे का भी मानते हैं तो आठ ये हुए और एक ऊपर आकाश नीचे ये दस दिशाएं हो जाती हैं कुल ठीक है तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन आंसर जितने भी दिए गए थे मैंने आपको पूरा बता दिया कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए ठीक है ओके बच्चों देखिए आपको यहाँ पर कॉमेंट नहीं कर पाएंगे ठीक है क्यों अगर आप कमेंट कोई वीडियो देख रहे हो आप कमेंट नहीं कर पा रहे हो ना तो आप मुझे दूसरे वीडियो में कमेंट कर सकते हो या फिर आप कम्युनिटी में जाके कमेंट कर सकते हो जहाँ पे मैं आपको कुछ सवाल पूछूँगी तो आप वहाँ पे कुछ भी अपने सवाल पूछ सकते हो या फिर आप यहाँ पे क्वेश्चन uh, पूछ सकते हो अगर, अगर बता सकते हो कि आपको कोई डाउट है या कोई वीडियो आपको चाहिए कोई क्वेश्चन आंसर का वीडियो चाहिए अगर कोई वीडियो आप देख रहे हो उसमें कमेंट नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं अगर उसमें कमेंट करने का ऑप्शन ना हो तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है ठीक है जब मैं आपको कोई क्वेश्चन पूछती हूँ कम्युनिटी में तो वहाँ पे आप ज़रूर पूछ सकते हो मुझसे और वहाँ पे जो भी आपकी डिमांड रहेगी वो भी आप मुझे बता देना कौन सा वीडियो आपको चाहिए तो वहाँ पे मैं आपको बता दूंगी ओके